नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है वायु। इसमें हम सीखेंगे कि वायु क्या होती है, वायु किससे बनती है, पानी और मिट्टी में वायु किस प्रकार मिलती है और वायु का प्रस्थापित होना कैसे होता है। क्या आपने कभी हवा को देखा है? निश्चित रूप से ही हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जब गुब्बारों को हवा में उड़ते देखते हैं, या पतंग को आसमान में उड़ते, या पेड़ की टहनियों और पत्तों को हिलते देखते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या होता है? हवा का बहना ही इन सभी चीजों का कारण है। तो चलिए अब जानते हैं कि वायु आखिर किससे बनी है। वायु जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल तथा धुओं के कणों से बनी है। जल वाष्प। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है, तब जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और जल के बूंद बन जाते हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प होना अनिवार्य होता है। ऑक्सीजन। वायु का एक अवयव ऑक्सीजन होता है। ये सभी जीवों के सांस लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ नाइट्रोजन ही है। यह वायु का लगभग 4/5 भाग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में एक छोटा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। पादप और अन्य जीव ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने पर धुआं उत्पन्न होता है। वायु में धूल स्वयं पैदा होती है। धुएं की कुछ गैसें तथा धूल के सूक्ष्म कण हानिकारक होते हैं। जब इनकी मात्रा वायु में ज्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वायु प्रदूषित है। इसे वायु प्रदूषण भी कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायु का करीब 99% भाग बनाती हैं, जबकि शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन किस प्रकार मिलता है? पानी में रहने वाले जीव जैसे कि मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, जबकि मिट्टी के जीव जैसे कि केचुए गहरी मिट्टी में छिद बना लेते हैं, जिससे वायु अंदर आती है और वे सांस ले पाते हैं। चलिए अब ऑक्सीजन की प्रतिस्थापना के बारे में कुछ जानते हैं। आप तो यह बात जानते ही होंगे कि वृक्ष सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वह ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन का प्रयोग कर कई जीव सांस लेते हैं और फिर वे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसका प्रयोग वृक्ष दोबारा कर भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार यह एक चक्र बन जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग और निर्माण होता रहता है और उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी प्रयोग और निर्माण होता रहता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हवा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वायु पवन चक्की को घुमाती है,
हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। जल चक्र में वायु की एक अहम भूमिका होती है। वृक्षों के बीज को इधर उधर फैलाने में भी वायु सहायता करती है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, भी हमें हवा से ही मिलता है। तो हमने सीखा कि किस प्रकार वायु हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वायु, जल वाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और धूल से बनती है। पानी और मिट्टी में रहने वाले जीव किस प्रकार ऑक्सीजन पाते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन की प्रतिस्थापना किस प्रकार होती है। धन्यवाद।